आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां महाराष्ट्र के घाटकोपर के एक इलाके में भीषण आग लगी है। महाराष्ट्र घाटकोपर इलाके के एक गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी, बड़ी खबर सामने आ रही है। आग लगने से पूरे इलाके में मचा हड़कंप। बड़ी खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र से, जहां घाटकोपर इलाके के एक गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद। दमकल की गाड़ियां लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रही है, भीषण आग लगी है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, आग लगने से पूरे इलाके में मचा हड़कंप। बड़ी खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र से, यहाँ घाटकोपर इलाके में गोदाम में लगी भीषण आग। फतेहपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ दबंगों ने सामुदायिक शौचालय तोड़ा। दबंग ग्राम पंचायत निधि का सामान लेकर हुए फरार। दबंगों ने 10,000 के सामान पर किया हादसा। सफाई कर्मी ने चोरी की, अब पुलिस को दी गई सूचना। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। बसफरा गांव स्थित सामुदायिक शौचालय का मामला बताया जा रहा है। फतेहपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जो दबंगों ने सामुदायिक शौचालय को तोड़ा। तो शौचालय का ताला तोड़ा गया है। दबंग ग्राम पंचायत निधि का सामान लेकर फरार हो गए हैं दबंग। दबंगों ने 10,000 के सामान पर हाथ साफ किया है। सफाई कर्मी ने चोरी की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। कन्नौज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जो घर से फैक्ट्री पहुंचे पंपी जैन। पंपी की फैक्ट्री पर आयकर अधिकारी भी पहुंचे। मीडिया से पंपी ने कहा, मस्त रहिए, खुश रहिए, कुछ देर में फैक्ट्री से रवाना हो सकती है टीम। सूत्रों के हवाले से आई खबर। जांच के बारे में पंपी ने साधी चुप्पी। कन्नौज से खबर सामने आ रही है, जो घर से फैक्ट्री पहुंचे पंपी जैन। बड़ी खबर सामने आ रही है, पंपी की फैक्ट्री पर आयकर अधिकारी भी पहुंचे। मीडिया से पंपी ने कहा, मस्त रहिए, खुश रहिए, कुछ देर में फैक्ट्री से रवाना हो सकते हैं पंपी। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 69,000 शिक्षक भर्तियों का मामला। विधानसभा घेराव करने जा रहे थे शिक्षक अभ्यर्थी। लालबत्ती चौराहे पर पुलिस ने अभ्यर्थियों को रोका। सैकड़ों की संख्या में लालबत्ती चौराहे पर पहुंचे थे अभ्यर्थी। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को पुलिस ने रोका। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, विधानसभा घेराव करने जा रहे थे शिक्षक अभ्यर्थी। लालबत्ती चौराहे पर पुलिस ने अभ्यर्थियों को रोका। बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से, सैकड़ों की संख्या में लालबत्ती चौराहे पर पहुंचे थे अभ्यर्थी। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को पुलिस ने रोका। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। फतेहपुर देवमई के बधारा सहकारी समिति में किसानों की भीड़। यूरिया खाद लेने के लिए काफी संख्या में किसानों की भीड़। सहकारी समिति के लगातार चक्कर लगा रहे किसान, खाद ना मिलने से किसान हो रहे परेशान। यूरिया किल्लत को देखते हुए किसानों में भारी रोष। फतेहपुर देवमई के पधारा सहकारी समिति में किसानों की भीड़। तिकुनिया कांड के 90 दिनों बाद आज चार्जशीट दाखिल। तिकुनिया कांड में गठित एसआईटी ने दाखिल की चार्जशीट। गृह राज्य मंत्री टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा घटनास्थल पर थे मौजूद। चार्जशीट में अजय मिश्रा को बनाया गया मुख्य आरोपी। बड़ी खबर सामने आ रही है लखीमपुर खीरी से, जहां सीजीएम कोर्ट में एसआईटी ने दाखिल की चार्जशीट। एसआईटी ने चार्जशीट में वीरेंद्र शुक्ला का नाम बढ़ाया। वीरेंद्र ने पूछताछ में आशीष मिश्रा सहित 14 आरोपियों को किया नामजद।
यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।